आज का हमारा प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी रायगढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर। प्रश्न क्रमांक दो, छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है? ऑप्शन ए रायपुर, बी सरगुजा, सी कोरबा, डी कांकेर धमतरी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है सरगुजा। प्रश्न क्रमांक तीन, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसके लिए ऑप्शन ए 65%, बी 75%, सी 85%, डी 95%। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है 85%। प्रश्न क्रमांक चार, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी बस्तर, डी राजनांदगांव। तो उत्तर है सी बस्तर में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक पांच, देश का सबसे बड़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट का नाम है गेवरा माइंस कोरबा, बी महामाया माइंस रतनपुर, सी नंदनी माइंस सरगुजा, डी नितिन माइंस धमतरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए गेवरा माइंस कोरबा। प्रश्न क्रमांक छह, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से कितने प्रकार के खनिज उत्खनित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 20, बी 26, ऑप्शन सी 36 और डी 16। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 20 प्रकार के खनिज उत्खनित किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक सात, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज कहां पाया जाता है? ए रायपुर जिले में, बी सरगुजा जिले में, सी बस्तर जिले में, डी कवर्धा जिले में। तो उत्तर है बी सरगुजा जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक आठ, छत्तीसगढ़ में मैग्नीज सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी दुर्ग। तो इसका उत्तर है बी बिलासपुर। प्रश्न क्रमांक नौ, बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहां किया जाता है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी श्रीलंका, डी मॉरीशस। तो उत्तर है बी जापान। जापान में लौह अयस्क निर्यात किया जाता है बैलाडीला से। प्रश्न क्रमांक दस, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदनवन, बी काननवन, सी मैत्री बाग, डी सेल गार्डन। तो उत्तर है ऑप्शन ए नंदनवन। प्रश्न क्रमांक 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए कुटरू, बी इंद्रावती, सी कांकेर घाटी, डी गुरु घासीदास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी गुरु घासीदास। प्रश्न क्रमांक 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शन ए समरसोत, बी गैमर्दा, सी उदयंती और डी बादलखोल। इसका उत्तर है डी बादलखोल, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। प्रश्न क्रमांक 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है? ऑप्शन ए तमोर पिंगला, बी अचानक मार, सी सीता नदी, डी पामेड़। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए तमोर पिंगला। प्रश्न क्रमांक 14, छत्तीसगढ़ में गाभर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए रायपुर, बी बस्तर, सी बिलासपुर, डी कबीरधाम। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बस्तर में। प्रश्न क्रमांक 15, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल और पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी मटासी मिट्टी, डी कन्हार मिट्टी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाल और पीली मिट्टी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16, लाल दोमट मिट्टी किस जिले से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कबीरधाम, बी कोरिया, सी बस्तर, डी धमतरी। इसका उत्तर है सी बस्तर। प्रश्न क्रमांक 17, छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? ऑप्शन ए आद्र जलवायु, बी उष्ण जलवायु, सी उष्ण आद्र और डी अत्यधिक आद्र। तो इसका उत्तर है सी उष्ण आद्र। प्रश्न क्रमांक 18, छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है? ए 26, बी 21, सी 36, डी 28। तो उत्तर है ऑप्शन सी 36। प्रश्न क्रमांक 19, कांकेर नदी, मुनगा नदी और बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है जिसे प्राचीन काल में मुंगा प्रपात नाम से जाना जाता था? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात, बी चित्रकूट जलप्रपात, सी चर्रेमर्रे जलप्रपात और डी सात धारा जलप्रपात। इसका उत्तर है ऑप्शन ए तीरथगढ़ जलप्रपात। प्रश्न क्रमांक 20, आबनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, बी खैरागढ़, सी बगीचा और डी तखतपुर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी खैरागढ़। प्रश्न क्रमांक 21, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी को, बी इंद्रावती को, सी दूध नदी को, डी खारून नदी को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए महानदी को।
प्रश्न क्रमांक 22, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए लीलावानी, बी धूपगढ़, सी नाजीबा, डी भूपेंद्री। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए लीलावानी। प्रश्न क्रमांक 23, वर्ष 1991 की जनगणना के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 11, डी 14। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 7 जिले थे। प्रश्न क्रमांक 24, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 3 अगस्त 2000 को, बी 7 अगस्त 2000 को, सी 9 अगस्त 2000 को, डी 11 अगस्त 2000 को। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 9 अगस्त 2000 को। प्रश्न क्रमांक 25, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 21 जुलाई 2000, बी 27 जुलाई 2000, सी 29 जुलाई 2000 को और डी 31 जुलाई 2000 को। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 31 जुलाई 2000। प्रश्न क्रमांक 26, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 15 जुलाई 2000 को, बी 20 जुलाई 2000 को, सी 25 जुलाई 2000 को, डी 30 जुलाई 2000 को। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 25 जुलाई 2000 को। प्रश्न क्रमांक 27, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु कब प्रथम राजनीतिक प्रयास किया गया? ऑप्शन ए 1958 में, बी 1978 में, सी 1998 में और डी 1968 में। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1998 में। प्रश्न क्रमांक 28, छत्तीसगढ़ संघर्ष का मूल कारण था? ऑप्शन ए आदिवासियों की जमीन एवं पहचान, बी आदिवासियों की संस्कृति की पहचान, सी आदिवासियों की राजनीतिक इच्छा और डी आदिवासियों की आपसी फूट। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आदिवासियों की जमीन एवं पहचान। प्रश्न क्रमांक 29, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक हैं? डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, बी डॉक्टर द्वारका प्रसाद मिश्र, सी नरेश चंद्र सिंह और डी पंडित श्यामाचरण शुक्ल। इसका उत्तर है डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। प्रश्न क्रमांक 30, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1956 में, बी 1965 में, सी 1975 में और डी 1955 में। उत्तर है ऑप्शन सी 1975 में। प्रश्न क्रमांक 31, छत्तीसगढ़ राज्य जिस प्राकृतिक संपदा से संपन्न माना जाता है वह संपदा है? ऑप्शन ए जल संपदा, बी वन संपदा, सी गैस संपदा और डी खनिज संपदा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी खनिज संपदा। तो ये था दोस्तों आज का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको जरूर इससे कुछ न कुछ लाभ हुआ होगा। यदि लाभ हुआ है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।